सरोकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको सीधे बताते हैं 11 बजे तक कितने प्रतिशत मतदान हो चुके हैं, क्योंकि चौथे चरण का मतदान है, काफी अहम है और 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदान हो रहा है, अब 11 बजे तक के परसेंटेज सामने आ चुके हैं कि कितने मतदाता अभी तक बूथ पर पहुंचे और उन्होंने मतदान किया। 22.62% मतदाता अपना मत का प्रयोग कर चुके हैं। 11 बजे तक के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जहां 22.62% मतदाताओं ने अपना मतदान कर दिया है। पीलीभीत 27.43% मतदान हो चुके हैं। सीतापुर में भी, रायबरेली 21.43% मतदान हुआ, लखनऊ में 21.42%, फतेहपुर में 22.41% मतदान हो चुका है। लखनऊ में 21.42% मतदान हुआ, बांदा 21.0% मतदान, पीलीभीत 27.43%, सीतापुर 21.40%, हरदोई 20.27%, उन्नाव 22% मतदान हुआ। पीलीभीत 27.43, रायबरेली 21.43, लखनऊ 21.42, फतेहपुर 22.43% मतदान हो चुका है। चौथे चरण का मतदान हो रहा है, 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। 11 बजे तक के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है, 22.62% मतदान 11 बजे तक हो चुका है। पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, इन 9 जिलों पर मतदान हो रहा है और 11 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। इन 11 बजे तक के आंकड़े बताए जा रहे हैं आपको, 27.43%, 26.30% लखीमपुर में, सीतापुर 21.40%, हरदोई 22.27% मतदान हुआ 11 बजे तक संपन्न, लखनऊ 21.42% मतदान लखनऊ में संपन्न, उन्नाव 22.45% मतदान हो चुके हैं 11 बजे तक, रायबरेली 21.43%, फतेहपुर 22.41% मतदान हुआ संपन्न, बांदा 21.0% मतदान, यानी 20% से ज्यादा मतदान हो चुके हैं। पीलीभीत में सबसे ज्यादा मतदान देखने को मिल रहे हैं, 11 बजे तक 27.43% मतदान हो चुका है। पीलीभीत में तेजी से मतदान देखने को मिल रहे हैं, लखीमपुर 26.30%, सीतापुर 21.40%, हरदोई 22.27%, लखनऊ 21.42%, उन्नाव 22.45%, रायबरेली 21.43%, फतेहपुर 22.41%, बांदा 21.0%, कुल 22.62% मतदान यूपी में 11 बजे तक संपन्न हो चुका है। अब लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य विधानसभा में लगातार आ रही मतदाताओं की शिकायत सामने आ रही है। हजरतगंज के गन्ना संस्थान में महिला का नाम वोटर लिस्ट से कटा, लिस्ट में नाम ना होने के कारण महिला हुई निराश। अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी नहीं हुई कोई सुनवाई, महिला को अधिकारियों ने मतदान करने से किया इनकार। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुबह से ही कई शिकायतें सामने आ रही हैं। मध्य विधानसभा में लगातार आ रही मतदाताओं की शिकायतें, हजरतगंज के गन्ना संस्थान में महिला का नाम वोटर लिस्ट से कटा, लिस्ट में नाम ना होने के कारण महिला हुई निराश। ये मैं दोबारा आज वोट देने आई हूँ, मॉर्निंग में 9 बजे के करीब मैं वोट देने आई थी। सब पता चला कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, ये मेरा इलेक्शन आईडी कार्ड है और ये मेरा आधार कार्ड है। मैंने दोनों यहाँ बीएलओ को दिखाए तो उन्होंने कहा कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है, तो मैं वापस चली गई प्रोविजन पता करने कि अगर नाम नहीं है तो हम वोट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा वोट करती हूँ। लास्ट ईयर भी मेरा वोट रजिस्टर हुआ था, तो मुझे पता चला कि एक चुनौती वोट का प्रोविजन है 49A या 49B, मैंने ए पढ़ा था, यहाँ मुझे पी बताया गया, तो 49P के तहत चुनौती वोट और एक टेंडर वोट का प्रोविजन है। तो उसके बारे में पता करके मैं यहाँ वापस दोबारा ही अपना वोट देने, तो यहाँ बीएलओ ने कहा कि अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो उसके अलावा हमारे पास टेंडर वोट या चुनौती वोट का कोई प्रोविजन है नहीं, हम नहीं करवा सकते हैं। फिर मैंने साइट पे जो नंबर दिए हैं जिनसे हम क्वेरी करें कि वोट डालने के क्या प्रोविजन है, तो सारे नंबर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, बट एक एडीएम का नंबर हमारा मिला तो उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आपने पहले से चेक क्यों नहीं किया था। तो पहले से चेक करने का क्या आशय था उनका मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इलेक्शन आईडी है और ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई थी कि आप लोग अपना पहले चेक कर लें कि आपका नाम है या नहीं है। और इससे पहले जब भी मतदान होता था तो हम लोगों को पर्चियां दे दी जाती थी पहले से, इस बार वो भी प्रोविजन नहीं हुआ, हम लोग यहीं पे आके ले रहे हैं पर्चियां।
और ईडीएम ने यही कहा, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा आपका नाम हटा दिया गया है, और उसका रीजन पूछने पे उन्होंने मुझे कोई रीजन नहीं बताया। उन्होंने कहा हम रीजन नहीं बता सकते, लेकिन आपका वोटर लिस्ट से नाम हमने हटा दिया है। इससे पहले मैंने वोट दिया, मैं हर बार वोट देखती हूँ। हाँ, मेरा नाम था और मैं वोट देती हूँ, इसी आईडी से मैंने वोट दिया है। मेरा आधार कार्ड भी मेरे पास मेरा पहचान पत्र है, मेरे पास इलेक्शन आईडी कार्ड है, फिर भी मुझे वोट क्यों नहीं देने दिया जा रहा है, ये मेरा प्रश्न है सर। शिकायतें सामने आ रही हैं, हजरतगंज के गन्ना संस्थान से भी अब शिकायत सामने आ रही है, जहां पे अभी कुछ देर पहले ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई थी, वहीं अब लिस्ट से महिला का नाम कटने की खबर भी सामने आई है। कई शिकायतें आ रही है, सपा द्वारा भी शिकायत करी गई है चुनाव आयोग से, तो शिकायतों का दौर चल रहा है क्योंकि आज चुनाव का दिन है और काफी अहम दिन है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हर अपडेट के लिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।